तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुरु कृपा एल्युमिनियम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लास के बारे में। जो भी हमारे भाई लोग हमसे कमेंट करके पूछते हैं कि ग्लास के बारे में बताइए, ग्लास का क्या रेट चल रहा है और किस टाइप के ग्लास हमारे एल्युमिनियम विंडो में लग सकते हैं, क्या थिकनेस के लग सकते हैं, क्या प्राइस होगी, सब बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास सभी तरह के ग्लास उपलब्ध है यहाँ पर, कई सारे। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हम लेकर के आते रहें। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इन ग्लास के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इनको धुंधला ग्लास बोला जाता है, बजरी भी बोला जाता है। तो ये हमारी थिकनेस आएगी 3.5 mm के अंदर, जो ये धुंधला ग्लास आएगा। वन साइड ब्लर हमको दिखता है, ये एक तरफ से बिल्कुल प्लेन रहता है, चिकना ग्लास रहता है, और एक साइड से डिजाइन इस पर उभरी भी रहती है। दोस्तों, ये ज़्यादातर हमारा यूज़ किया जाता है वेंटिलेशन में, ओपनेबल विंडोज़ में, और जो हमारी बॉम्बे स्लाइडिंग विंडो आती है उसमें 3.5 mm का कांच ही लगाया जाता है, तो ये उसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब इसमें आपको मैं कई सारी डिज़ाइन बता रहा हूँ। सबसे पहले इसके मैं प्राइस बता देता हूँ आपको। दोस्तों, ये जो भी डिज़ाइन आपको बताऊँगा मैं, सब सेम प्राइस की रहेगी। दोस्तों, इसका जो भी हम प्राइस बताएंगे वो सब सेम रहेगा, यानी कि जो भी धुंधला कांच का प्राइस है वो सेम रहने वाला है, रिफ्लेक्टिव का सेम रहने वाला है, कुछ थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आएगा। दोस्तों, आप बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है कि गाड़ियाँ साउंड चलता रहता है, रश ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से साउंड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। दोस्तों, ये जो हमारा क्राउन कलर का ग्लास बोलते हैं इसको, वाइट प्लेन ग्लास आता है, इसमें कलर भी आपको मिल जाएगा, ब्राउन और ब्लैक कलर दोनों में ये डिज़ाइन आ जाती है, इसको क्राउन बोला जाता है। आप देख सकते हैं इस डिज़ाइन को, क्राउन बोला जाता है इस डिज़ाइन को। दोस्तों, इसका रेट रहता है अभी हमारे मार्केट में यहाँ पर लोकल में MP में 30 रुपये फीट इसका स्क्वायर फीट इसका भाव चल रहा है, ये आपको 30 रुपये फीट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको कई सारी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है, मैं एक एक के आपको नाम और डिज़ाइन दोनों बताता हूँ। दोस्तों, उसके बाद ये आता है हमारा जो सबसे ज़्यादा अभी हम यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा यही कांच लोग पसंद कर रहे हैं, इसको बोला जाता है क्रिस्टल। दोस्तों, क्रिस्टल तरीके से मोती रहते हैं बिल्कुल बारीक बारीक, ये आप देख सकते हैं, ये भी 3.5 mm थिकनेस के अंदर ही मिलेगा। लेकिन सबसे सुंदर डिज़ाइन अभी ये देखा जाए तो यही चल रहा है ज़्यादातर, अभी इसकी मांग ज़्यादा है। दोस्तों, ये भी आपको 30 रुपये के रेट में मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आता है ये बारीक बूंदी वाला, ये क्रिस्टल जैसा ही आपको है देखने को, पर इसमें बिल्कुल बारीक बारीक दाने हैं, इसको बोला जाता है बजरी। दोस्तों, ये काफ़ी फेमस ग्लास है, ये सभी जगह पर उपलब्ध हो जाता है, एनी टाइम ये 12 महीने चलता है कांच, ये सदाबहार ग्लास है, इसको बजरी बोला जाता है। दोस्तों, इसका भी रेट वही है 30 रुपये स्क्वायर फीट। दोस्तों, बजरी और इनके धुंधले कांच के सभी के रेट सेम ही है अभी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक और डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन वैसे साल भर तो उपलब्ध नहीं रहती है, लेकिन जिस टाइम पर उपलब्ध रहती है किसी को अगर लगवाना रहता है तो उस पर लग जाता है, बाद में अगर फूट जाता है या टूट जाता है तो फिर वो ढूंढ करके लगाना पड़ता है। 12 महीने वाला डिज़ाइन ये नहीं है, इसका कुछ नाम भी नहीं पता, इसको आप चेक डिज़ाइन कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी 30 रुपये स्क्वायर फीट में हमको लगवा सकते हैं हमारी विंडो के अंदर। दोस्तों, अगला डिज़ाइन ये काफ़ी पुराना डिज़ाइन है, इसको तारा टाची बोला जाता है, ये भी धुंधला ही है, ये हमारे कर्व में से इस टाइप के पैटर्न इसमें देखने को मिल सकते हैं, पूरा बड़ा जब ग्लास रहेगा विंडो के अंदर लगेगा जब काफ़ी सुंदर दिखता है, ये काफ़ी पुराना ग्लास है, ये भी 30 रुपये स्क्वायर फीट में आपको लगवाने में मिल जाएगा। दोस्तों, तो ये थी हमारी वेराइटी सारी बजरी ग्लास की, जो भी हमारे धुंधले ग्लास थे। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव ग्लास की। दोस्तों, रिफ्लेक्टिव ग्लास में भी मैं आपको सबसे पहले ये तीन जो हमारे मेन ग्लास रहते हैं, सबसे पहले हमारा ग्लास आ गया ये ब्राउन रिफ्लेक्टिव। दोस्तों, इसकी भी थिकनेस 3.5 mm ही है, ये हमारा बॉम्बे स्लाइडिंग विंडो में अधिकतर यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसकी थिकनेस 3.5 mm ही ज़्यादातर लगाई जाती है। ये हमारा बॉम्बे स्लाइडिंग विंडो में लगाने के लिए, अगर आप कैमरे में देख पा रहे हो सही से, तो इसका कलर है यहाँ पर ब्राउन, वन साइड ब्राउन कलर आएगा इसमें, वन साइड इसमें आएगा ये मिरर, जो आईना हमारा रहता है उस टाइप का मिरर आएगा, ये वाइट मिरर प्रोजेक्ट टाइप आएगा इसमें ब्राउन। दोस्तों, इसका प्राइस की बात कर रहे हैं तो इसके प्राइस हमको ये 53 से 55 रुपये में अभी अवेलेबल है हमारे MP के अंदर। दोस्तों, आप अगर अलग स्टेट से देख रहे हैं तो वहाँ का रेट थोड़ा कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, ये आ गया हमारा ब्लैक ग्लास। दोस्तों, ब्लैक रिफ्लेक्टिव है, एक तरफ से पूरा ब्लैक आएगा, एक तरफ से मिरर देखने को मिलेगा, एक तरफ से ब्लैक और एक तरफ से मिरर, हल्का मिरर आएगा, ये एकदम डार्क मिरर नहीं आएगा जैसा हमारे घर में यूज़ किया जाता है, लेकिन एक साइड से मिरर ही आएगा और एक तरफ से ब्लैक आएगा। दोस्तों, इसके प्राइस की बात की जाए तो ये भी 53 से 55 रुपये फीट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, आता है नेक्स्ट ग्लास, ये है ब्लू रिफ्लेक्टिव। दोस्तों, देख सकते हैं आप, इस साइड से मिरर है और इस साइड से ब्लू है। दोस्तों, इसकी भी थिकनेस की बात करें तो 3.5 mm आएगा, बॉम्बे स्लाइडिंग विंडो में आसानी से लगाया जा सकता है इसे, और ओपनेबल वगैरह में भी, पार्टीशंस में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, इसका भी प्राइस 55 रुपये स्क्वायर फीट में हमको मिलेगा। दोस्तों, हम बात करेंगे डोमाल सीरीज़ के विंडोज़ के ग्लास के बारे में। दोस्तों, डोमाल में अधिकतर ये ग्लास एडवांस टेक्नोलॉजी की, जो हमारी अभी डोमाल विंडो नहीं आई है उसमें ये यूज़ किया जाता है।
दोस्तों अब इन कलर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर भी कई सारे हमारे पास नए नए कलर उपलब्ध हैं। दोस्तों रोमाल में जो क्लास लगते हैं उनकी थिकनेस होती है 5 mm की, जैसा कि आप इस समय अभी आप देख सकते हैं ये हमारा 3.5 mm का ग्लास है और ये 5 mm का ग्लास है। अगर आप कैमरा पे इसका डिफरेंस देख पा रहे हो दोनों का, दोनों की थिकनेस अलग अलग रहती है। ये बॉम्बे स्लाइडिंग विंडो में यूज़ किया जाता है और ये डोमाल विंडो में यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर आप डोमाल विंडो बनाना चाहते हो और कस्टमर के पर्पज़ से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ध्यान दें डोमाल विंडो में हमको हमेशा 5 mm का ग्लास ही लगवाना है। पतला ग्लास लगवाने से मतलब नहीं, क्योंकि विंडो ज़्यादा हैवी होती है तो उसमें ग्लास भी हैवी डलवाएंगे तो अच्छा रहेगा, फूटने का चांस कम रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा ब्लैक रिफ्लेक्टिव ग्लास, इस साइड से पूरा ब्लैक है और इस साइड से रिफ्लेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इसकी थिकनेस होगी 5 mm जैसा कि मैंने आपको भी बताया। और इसके प्राइस की बात की जाए तो दोस्तों ये 78 से 80 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। 80 रुपये फिट में आपको ये ग्लास लगवा सकते हैं आप। दोस्तों इसमें आप अगला कलर बताते हैं हम। दोस्तों ये सबसे बेहतरीन कलर जो अभी तक रोमाल में हम ज़्यादा लगा रहे हैं, ज़्यादा इसकी मांग है हमारे यहाँ। दोस्तों ये कलर है गोल्डन रिफ्लेक्टिव, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक रिफ्लेक्टिव गोल्ड इस पर लिखा हुआ है। एक साइड से गोल्ड है और एक साइड से मिरर टाइप है, ब्राउन मिरर है एक टाइप से और एक टाइप है गोल्ड है। दोस्तों काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है, अगर आप लगवाना चाहते हैं तो ये भी आपकी सिटी में भी आप ढूंढ करके लगवा सकते हैं, इसका नाम आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों ये भी हमको 80 रुपये फिट के अंदर, 80 से 82 रुपये फिट में आपको मिल जाएगा 5 mm थिकनेस के अंदर। दोस्तों अभी ये ग्लास देख सकते हैं आप, इसको ब्लू रिफ्लेक्टिव बोला जाता है, जैसा कि आपने पहले भी देखा था हमारे ये ब्लू रिफ्लेक्टिव, एक ही हमारा ब्लू रिफ्लेक्टिव और एक ही हमारा ब्लू रिफ्लेक्टिव है। ये बॉम्बे स्लाइडिंग विंडो में लगता है, ये डुमाल में लगता है क्योंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसकी 3.5 mm थिकनेस है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। दोस्तों एक साइड से ब्लू रहता है, बिल्कुल लाइट ब्लू आपको देख सकते हैं आप, एक साइड से हमको ये मिरर देखने को मिलेगा। दोस्तों इसकी भी प्राइस वही 80 से 82 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा और 5 mm थिकनेस के साथ में। तो दोस्तों अगर आप डोमाल में लगवाना चाहते हैं ग्लास तो आप इसको 5 mm की थिकनेस में ही लगवाइए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।